तो भाई लोग आज मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्म्स, जैसे कि कोबलस्टोन का फार्म, गोल्ड का फार्म, आयरन का फार्म, रेड का फार्म, एक्सपी का फार्म, ऑल मॉब का फार्म, डायमंड का फार्म। डायमंड का नहीं बनाएंगे भाई, बाकी के सारे बना देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस यार, ऑटोमेटिक फार्म को बनाने के लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि यार ये जस्ट मेरा सेकंड एपिसोड है। लेकिन टेंशन ना लो भाई, इस वीडियो का एंड होते होते हमारे पास सारी की सारी चीजें होगी। तो यार सबसे पहले ना मेरे को कुछ बकेट्स को क्राफ्ट करना है, क्योंकि मेरे पास एक भी बकेट नहीं है। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, एंड इसके अलावा मुझे चाहिए होगा काफी सारा लावा यार, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक का कोबल स्टोन का जनरेटर। ऑटोमेटिक फार्म को बनाने के लिए गाइस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाल पाउडर, क्योंकि इसके बिना तो ऑटोमेटिक फार्म बन ही नहीं सकता। ओ भाई साहब, यहाँ पर एक का स्पाइडर का स्पॉनर है। सबसे पहले तो इसको मैं लाइट अप कर देता हूँ, क्योंकि बेफालतू में यहाँ पर स्पाइडर स्पॉन होती रहेगी। बाकी चेस्ट के अंदर क्या है भाई, यहाँ पर एक का लूटिंग वन का बुक है, एंड इसके अलावा एक नेम टैग भी है, जो कि काफी ज्यादा काम की चीज है। बाकी यार ऑटोमेटिक फार्म को बनाने के लिए वुड की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई, तो इसको भी मेरे को कलेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी थोड़ी सी झाड़ के पत्तियां मिल जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। एंड इसके अलावा एट द एंड ऑफ लास्ट में मुझे चाहिए होंगे थोड़े से क्वार्ट्स, जो कि मेरे को नेदर से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग का फार्म तो है नहीं ना। A few minutes later. तो यार अभी सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है ऑटोमेटिक कोबलस्टोन के जनरेटर को बनाने के लिए, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला फार्म बन चुका है, जो कि है कोबलस्टोन का जनरेटर। एंड ये कोबलस्टोन का जनरेटर प्रोवाइड करने वाला है एक घंटे के अंदर 75,000 कोबलस्टोन पर हवर, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया यार। एंड आगे मैं जितने भी फार्म बनाऊंगा उसमें काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये मैंने फार्म बना के काफी ज्यादा बढ़िया काम किया। बात पे लाइक कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो फिर गाइस अगले वाले फार्म को बनाने के लिए हमें काफी सारे लावा के पत्थर की जरूरत पड़ेगी, तो इनको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। के अलावा कांच को बनाने के लिए चाहिए होगी थोड़ी सी व्हाइट मिट्टी, एंड कुछ गांव वासियों की खटिया भी चाहिए होगी, एंड काफी सारी सोने की पटरी भी चाहिए होगी, लेकिन इतना बजट नहीं है यार, इसी वजह से उसको बनाने के लिए एक का छोटा सा देसी जुगाड़ मेरे को लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के लिए यहाँ पर एक का डट रखो, इसको ऊपर रखो एक ऑब्जर्वर, यहाँ पर आके रखो एक का पिस्टन, एंड यहाँ पर लगाओ दो स्लाइम के ब्लॉक, एंड यहाँ पर दो पीछे नॉर्मल वाले किसी भी तरीके के ब्लॉक, ऊपर लगानी है दो रेस्टोन डस्ट, एंड यहाँ पर आकर के मेरे को लगानी है पावर ट्रेल, एंड यहाँ पर लीवर, एंड अभी फिलहाल देखो ये एक दो एंड चालू। भाई देसी जुगाड़ बोले तो बिल्कुल खतरनाक वाला यार, बेफालतू का खर्चा क्यों करना यार, जब देसी जुगाड़ से काम चल जाता है। चल हट से पहले फुर्सत में निकल। बाकी भाई लोग आयरन फार्म को बनाने के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, बस अभी फिलहाल ना मेरे को कुछ विलेजर्स को किडनैप काम पे रखना पड़ेगा। हाँ भाई काम पे रखना पड़ेगा, तो वो तो भाई मैं टाइम लैप्स के अंदर ही कर लूंगा, आप सभी लोग देख लेना। बाकी अभी फिलहाल अपने फार्म को बनाने की शुरुआत करते हैं। गाइस हमारा आयरन का फार्म भी मैंने बना दिया है, एंड ये वाला फार्म गाइस मेरा सबसे फेवरेट फार्म है आयरन का, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, एंड इसको बनाने में सामान भी बहुत ही कम लगता है। बाकी यार नेदर में हमारा फार्म देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है, एंड यहाँ पर ना कुछ आयरन गोलम मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, तो खड़े रहो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गाइस मैंने अपने आयरन गोलम के फार्म के ऊपर थोड़ी देर के लिए AFK किया, क्योंकि मेरे को काफी सारे आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी यार अभी फिलहाल अगेन हमें थोड़ी सी और लकड़ियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी यार ये लकड़ियों से मुझे बनानी है काफी सारी चेस्ट, एंड अभी इनसे बने गए होपर्स, एंड इसके अलावा गाइस मेरे को 64 भट्टी भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी। बाकी थोड़ी सी और सोने की पटरी मिल जाती तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। बाकी यार अगेन मेरे को काफी सारा रेडस्टोन डस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा यार, आज मेरे को पता चल रहा है कि रेडस्टोन भी काफी ज्यादा रेयर होता है भाई। तो भाई लोग इसी के साथ सुपर स्मेल्टर को भी बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, तो चलो फिर उसको भी बनाते हैं। ओके तो यार सुपर स्मेल्टर को बनाने का कार्य समाप्त हो चुका है। बाकी यार इसका जो डिजाइन है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है भाई, बस यार छोटा सा फार्म जरूर रही है, लेकिन इसके अंदर भाई इतनी सारी चीजें लगी है ना, वो भी रेडस्टोन वाले, किसी का भी दिमाग का फ्यूज उड़ जाए भाई। बाकी अभी फिलहाल हमारा ये वाला फार्म भी पूरा वर्किंग कंडीशन के अंदर है, एंड इसके अंदर मैंने काफी सारे कोबलस्टोन भी डाल दिया है मेल्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को स्टोन चाहिए भाई। तो भाई लोग अगले वाले फार्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो थोड़ी सी पानी की बाल्टी भरनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा हमें चाहिए होगा काफी सारा स्टोन, बस यार और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यार मैं जल्दी से कोबलस्टोन को मेल्ट करता हूँ, एंड अपने फार्म को बनाने की शुरुआत करता हूँ। तो
फाइनली गाइस हमारा ऑल मॉब का फार्म भी मैंने बना दिया है। हालांकि 1.20 के अंदर यार ये फार्म अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर सकता, बट यार इस फार्म से मेरे काफी ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैंने माइनक्राफ्ट को खेलना स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने सबसे पहला फार्म बनाया था अपने सर्वाइवल मोड के अंदर वो यही वाला फार्म था यार। एंड इसी वजह से मैं जब भी कोई भी सीरीज स्टार्ट करता हूँ माइनक्राफ्ट के तो उसके अंदर ये वाला फार्म जरूर से बनाता हूँ। बाकी ये जो है इतना ज्यादा तो भाई हमको प्रोडक्शन नहीं करके देगा, लेकिन जितना करके देगा उतना हमारे लिए काफी होगा यार। खैर भाई लोग, इसके बाद मैंने अपने ऑल मॉब के फार्म के ऊपर थोड़ी बहुत देर के लिए एएफके किया, क्योंकि मेरे को यहाँ से गन पाउडर चाहिए था। तो भाई लोग गन पाउडर को कलेक्ट करने के लिए तो मैंने अपने ऑल मॉब के फार्म को बना दिया है, बट रॉकेट को क्राफ्ट करने के लिए मेरे को गन पाउडर के साथ ही साथ पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। एंड पेपर को बनाने के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा शुगर केन का फार्म। एंड शुगर केन के फार्म को बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है शुगर केन। क्या लॉजिक है यार। इसके अलावा अगेन हमें चाहिए होगी थोड़ी सी और लकड़ियाँ। बाकी यार इस फार्म को बनाने के लिए ना काफी सारे ऑब्जर्वर्स भी बनाने पड़ते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे क्वार्ट्ज भी चाहिए होगा यार। तो भाई लोग शुगर केन के फार्म को बनाने के लिए सारा का सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, बस अभी फिलहाल मेरे को यहाँ से थोड़े से और गंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड अभी फिलहाल अपने फार्म को बनाने की शुरुआत करते हैं। ओके तो भाई लोग हमारा शुगर केन का फार्म भी बन चुका है, बस अभी फिलहाल इसके अंदर मेरे को एक माइनक्राफ्ट प्लेट होपर डालना है। बाकी यार मैंने अगर इसको वॉल के पास डाला होता तो मेरे को फिश रोड को लगाने की जरूरत ना पड़ती, बट चलो कोई ना यार। बाकी यार ये वाला माइनक्राफ्ट प्लेट होपर ना भाई यहाँ पर आकर रुकेगा जरूर, क्योंकि जब तक इसके अंदर भाई सामान है तब तक ये यहाँ पर खड़ा रहेगा। जैसे ही सामान खत्म हो जाएगा ये अपने काम के ऊपर अगेन भाई चला जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। बाकी यार अभी फिलहाल टाइम है एक रेड फार्म को बनाने का, एंड उसको बनाने के लिए बस हमें इतने मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई लोग मैंने अपने ये वाले विलेजर के पास से एक का लूटिंग टीन के बुक को तो परचेस कर लिया है, बाकी ये वाले विलेजर के पास से मैं अभी फिलहाल ना दो जो है मेंडिंग के बुक परचेस करने वाला हूँ। हमारे पास तीसरी को परचेस करने के लिए एम्ब्रेल तो पड़े हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये मेंडिंग के बुक को मैं अपने इलाइट्रा को ऊपर लगाने वाला हूँ। एंड अभी फिलहाल जो है मेरे को सबसे पहले तो ये दोनों बुक को भाई कंबाइन करना पड़ेगा, लूटिंग टीन एंड इसके अलावा मेंडिंग। एंड अभी फिलहाल इसको मैं अपने स्वॉर्ड को ऊपर लगाने वाला हूँ। स्वॉर्ड यार हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है भाई। तो गाइस ये रेड फार्म को बनाना काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो हमें एक 64x64 का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एंड इसके बाद मेरे को ये पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का फिल करना है, जो कि मैं लावा की मदद से करने वाला हूँ। A few minutes later, यहाँ पर बीच में आएगा एक ब्लॉक, एंड इसके आसपास मेरे को लगाना है फेंस गेट, एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर एक और ब्लॉक आएगा। बाकी अभी फिलहाल ये सारे के सारे ब्लॉक को मेरे को जोड़ने का है कुछ इस तरीके से। एंड ये बाउंड्री के अंदर जितने भी ब्लॉक है वो सारे ब्लॉक को तोड़ना है। एंड इसके बाद एक ब्लॉक नीचे जाके हमें अगेन एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना है। एंड गाइस ये फार्म के अंदर ना हमें बस एक विलेजर को लाकर डालना है, एंड वो काम सबसे ज्यादा मुश्किल है यार। खैर यार यहाँ पर ना चारों साइड के ऊपर हमें नॉन और ट्रैप डोर भी लगाने हैं। ओके तो विलेजर भाई तैरने के लिए तैयार हो, अभी फिलहाल नीचे जाओ भाई चुपचाप। चलो 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 भाई जल्दी फटाफट नीचे जाओ। एंड अभी ये गया नीचे, एंड अभी हमें भी नीचे जाना है भाई। अंधेरा काफी ज्यादा है, वैसे एक सेकंड रुको, मेरे पास टॉर्च है। मैं सबसे पहले आप सभी को टॉर्च लगा के बताता हूं। ये जो गड्ढा है ना गाइस ये टोटल 20 ब्लॉक नीचे जाता है, एंड अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे को इसको तोड़ना है। एंड ये वाले विलेजर को ना गाइस मेरे को इसके ये वाले घर के अंदर डालना है। तो चल भाई विलेजर आजा चुपचाप यार, ज्यादा पंगे मत कर वरना तो पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ पर गायब हो गया। ओके तो यार अभी फिलहाल हमारा ये फार्म भी बन चुका है भाई। मैं पिलेजर के बंदे को मार के आ चुका हूँ, मतलब कैप्टन वाले को यार। एंड अभी फिलहाल रेड भी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी यहाँ पर इसकी जो भाई प्रोडक्शन रेट है वो तो भाई इसके साइज के हिसाब से भाई आप सभी लोग गैस कर सकते हो। बस मेरे को ना यहाँ से यार कुछ टोटम ऑफ अनटाइम चाहिए थे, क्योंकि जो मैं अगले वाला रेड फार्म बनाऊंगा ना उसको बनाने में भाई जान का काफी ज्यादा रिस्क है। एंड ये हमारा हार्डकोर वर्ल्ड है यार, एंड यहाँ पर मरे तो भाई सीधा किस्सा खत्म होता है। इसी वजह से मेरे को सबसे पहले तो कुछ टोटम ऑफ अनटाइम चाहिए थे, एंड इसी वजह से मैंने ये वाला रेड फार्म बनाया था। ओके तो यार अभी लाइब्रेरियन विलेजर के पास से जो है काफी सारी मेंडिंग के बुक मैं परचेस करने वाला हूँ। एंड अभी फिलहाल ये सारी के सारी मेंडिंग के बुक को मैं लगाने वाला हूँ अपने आर्मर के ऊपर एंड अपने टूल्स के ऊपर भाई। तो भाई लोग इसके बाद जो मैं अब फार्म बनाने वाला हूँ वो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज का फार्म है, एंड उसका नाम है ऑफ कोर्स यार गोल्ड का ब्लॉक। एंड गोल्ड का फार्म बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा काफी सारा मटेरियल, जिसमें सबसे पहले तो मेरे को 3.5 सल्कर बॉक्सेस भर के चाहिए हो गए मैग्मा ब्लॉक, एंड इसके अलावा मेरे को 1.5 सल्कर बॉक्सेस भर के ग्लास की भी जरूरत पड़ने वाली है।
एंड ग्लास को बनाने के लिए मैं अभी फिलहाल सैंड को माइन कर रहा हूँ। अभी यार मटेरियल्स को कलेक्ट करना इतनी तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैंने मटेरियल्स को इकट्ठा किया है। लेकिन यार इस बार एक प्रॉब्लम है, जो मेरे टूल्स है ना यार उसके अंदर अनब्रेकिंग के एंचेंटमेंट नहीं लगी हुई है एंड इसकी वजह से यार उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही जल्दी यार कम हो रही है। हालांकि मैंने अपने टूल्स के ऊपर मेंडिंग की बुक तो लगाई हुई है, बट यार उनको रिपेयर करने के लिए मेरे पास कोई भी एक्सपी फार्म अवेलेबल नहीं है। तो करना क्या था यार, मैंने कुछ थोड़े बहुत और मटेरियल्स को इकट्ठा किया एंड सीधा पहुंच गया एंड वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने बनाया एंडरमैन का एक्सपी फार्म सिर्फ और सिर्फ अपने टूल्स को रिपेयर करने के लिए। इसके बाद यार मैंने अपने टूल्स को रिपेयर किया, अगेन जाके जो है मैंने मैग्मा ब्लॉक को एंड सैंड को कलेक्ट किया। ओके तो यार मटेरियल्स को कलेक्ट करने का कार्य समाप्त हो चुका है एंड यार मैंने एक परफेक्ट लोकेशन भी ढूंढ लिया है अपने एल्बांगो के डिजाइन किए हुए गोल्ड के फार्म को बनाने के लिए। बाकी यार मैग्मा ब्लॉक के ऊपर अगर मैं ऐसे चलूंगा ना तो मेरे को भाई काफी ज्यादा डैमेज मिलेगा। इसका भाई एक सिंपल सा उपाय है एंड वो मैं लेके आया था, उसका नाम है अग्निशामक बुट्टी। उसको पीने के बाद तो यहाँ पे ताता थैया करो या फिर कुछ भी करो भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी यहाँ पर मैंने स्कैफोल्डिंग लगा दी है बिल्कुल हाइट लिमिट तक, जहाँ पर मेरे को अपने फार्म को बिल्ड करने का है। तो यार अभी फिलहाल ज्यादा देरी ना करते हुए चलो फिर शुरू करते हैं। राइट गाइस, तो ये काम भी खत्म हो चुका है एंड अभी फिलहाल जो है हमारा फार्म पूरा वर्किंग कंडीशन के अंदर है। मैं आप सभी लोगों को इसको यूज करना भी बताता हूँ, बस मेरे को जो है एक बोस है जस्ट शूट करना है ये जॉम्बी फैट बिगलिन को एंड ये गया। और अभी फिलहाल देखना भाई ये सारे के सारे किस तरीके से मेरे ऊपर टूटने वाले है। मुझ बेचारे के ऊपर भाई ये बहुत ही ज्यादा जुलूम कर देते हैं अगर भाई मैं यहाँ पर ना खड़ा होता तो। देखो भाई कितने सारे है, बाकी यार यहाँ पर आके ये मरते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनक्राफ्ट मैंने रखे हुए है एंड नीचे से भाई एक्सपी मिलता रहेगा जो की काफी ज्यादा भाई मिलता है। एंड इसके अलावा इसका प्रोडक्शन रेट भी काफी ज्यादा बढ़िया है। स्टार्टिंग के लिए तो भाई ये वाला फार्म सबसे बेस्ट है, अगर मैंने कोई एक्सपी का फार्म ना बनाया होता ना तो इसी से भी अपना काम चल जाता, लेकिन यार इसके मटेरियल ही इतने सारे थे कि मेरे को अलग से एक एक्सपी फार्म को बनाना पड़ा। बाकी भाई लोग हमारी आज की वीडियो का स्पेशल शाउट आउट जाता है स्कारलेट आर्केड को, तो कांग्रेचुलेशन यार। एंड गाइस ऐसे ही मैंने सर्वाइव किया था 24 आवर्स रियल लाइफ के अपने हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, वो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है तो आप सभी लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज के वाले वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड बाय।